टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सैटरडे को मैं आ गई हूँ। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है और आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं। सो इस रीडिंग का बेसब्री से बहुत लोगों को इंतज़ार रहता है, आप लोगों से सैटरडे तक कभी वेट नहीं होता है। तो एक ही दिन मैं करती हूँ ताकि आप ज़्यादा थर्ड पार्टी के बारे में ना सोचें, फोकस खुद पर डाइवर्ट करें। तो शुरू करते हैं। इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, किस एनर्जी में है, और इस डेक से हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। सो यू वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी है। लास्ट में हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे, निकलेंगे तो कब तक निकलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं देखूँगी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशंस हैं। ये हालात हैं, पहला ही कार्ड बहुत नेगेटिव आया है, एट ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा स्टक, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड, बट अभी मैं रेडी नहीं थी तो उसको मैंने वापस रख दिया। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अरे कार्ड बहुत स्लिपरी है ये, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने ये रीडिंग आएगी, जब भी आएगी, उनके पर्सन अगर किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, कोई भी है ऐसा जिसकी वजह से या जिन कारणों से वो आपसे यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं या कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, उनके बीच में क्या चल रहा है, आपके पर्सन और उनके बीच में क्या एनर्जी है। किस एनर्जी में है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। टू मोर कार्ड्स, दो कार्ड और। वन मोर कार्ड, अच्छा। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ, ओके। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, सबसे पहले तो वो बड़ी मैनिपुलेटिव है थर्ड पार्टी, बहुत प्यार से ट्रीट करती है आपके पर्सन को, चाहे वो जो भी हो, जो भी हो, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, बट जो भी हो, लेकिन यहाँ पर उनका बहुत ख्याल रखना, उनकी बहुत टेक केयर करना, उनको बहुत दिखाना कि वो एक्चुअली में उनको उनके पैसे से या उनके बहुत ज़्यादा उन अगर वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं तो उनके पैसों से, अगर वो स्मार्ट दिखते हैं तो उनके तरफ अट्रैक्शन, या फिर कोई ना कोई सेल्फिश उनका मोटिव है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी सेल्फिश मोटिव से वो ये सब करते हैं, क्योंकि उनके सामने वो इस एनर्जी में रहते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करना, बहुत उनको अच्छा फील कराना, और पीठ पीछे उनकी ये एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करना, बहुत ज़्यादा नज़र रखना, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना, बहुत ज़्यादा ये सोचना कि वो जो कहेंगी या जो कहेंगे वही वो बंदा या बंदी करेगी या करेगा। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ही आपके पर्सन किसी सिचुएशन में स्टक हैं, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये चाहते हैं या चाहती हैं कि इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं, इस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए भी बहुत प्रिपरेशन करते हैं कि कैसे होगा, क्या बात होगी, कैसे करना है, काफ़ी कुछ ये सोचते हैं, काफ़ी कुछ ये चाहते हैं कि इन चीज़ों से निकल जाएँ बाहर। बट वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से आपके पर्सन स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये इनकी फैमिली है तो थोड़ा और वेट कर लेते हैं, शायद फैमिली मान जाए, शायद हम लोग सब बैलेंस वे में हो। अगर आपके जो पर्सन है उनके लाइफ में उनकी हस्बैंड या उनकी वाइफ थर्ड पार्टी हैं, मतलब उन दोनों के बीच में अच्छा नहीं चल रहा, बट फिर भी वो ट्रैप्ड हैं, स्टक हैं, तो यहाँ पर उसका यही कारण है कि जो सामने वाला पर्सन है, जो भी सिचुएशन है, वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके रखा है आपके पर्सन को।
यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है उसमें द वर्ल्ड की एनर्जी है, ये इस सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, कंप्लीशन की एनर्जी है, ये सिचुएशन को, इस साइकिल को एंड करना चाहते हैं। बट जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, जब इनका कर्मा पूरा होगा उस पर्सन के साथ, तभी ये चीज़ें होंगी। इस सिचुएशन से निकलने के लिए हिम्मत की भी ज़रूरत है। अगर आपके पर्सन हिम्मती हैं, आपके पर्सन सच में आपसे ट्रू लव करते हैं, आपके पर्सन सच में आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस होंगे, तो ये डेफिनेटली थोड़ा सा हिम्मत करेंगे और ये इस सिचुएशन को कम्प्लीटली एंड कर देंगे। ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं। देखते हैं आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या एनर्जी है, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है। वेटिंग पे रखा है इन्होंने आपको, एक तरफ आप हैं, एक तरफ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मुझे ऐसा लगा जैसे दो कार्ड हैं। हो सकता है काफ़ी समय से आप लोग वेट कर रहे हैं कि अब थर्ड पार्टी एंड होगी, अब थर्ड पार्टी एंड होगी। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, इमोशनली भी फिजिकली भी, ये चीज़ें निकल कर आई हैं। क्या सीरियस हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, धोखा तो नहीं दे रहे आप सब, आपको आपके पर्सन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या सीरियस हैं, क्या ट्रू लव करते हैं आपसे आपके पर्सन। ऑब्स्टिकल्स तो हैं लेकिन आपके पर्सन अटैचमेंट रखते हैं, क्या ये ऑब्स्टिकल्स से बाहर निकलेंगे आपके पर्सन प्यार के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। यस, चीज़ें बैलेंस होंगी, बर्डन है इनके ऊपर कुछ पिछले जन्म का या कर्मा बैगेजेस हैं, बट ये न्यू बिगिनिंग करेंगे, ये निकलेंगे उस सिचुएशन से बाहर। इसके पहले भी न्यू बिगिनिंग की एनर्जी आई है, यहाँ से भी आई है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए डिवाइन की ब्लेसिंग्स की। क्या इस बैगेज को एंड करेंगे आपके पर्सन, जो भी कर्मा बैगेजेस हैं। यस, इस बैगेज को कर्मा बैगेजेस बोला, और वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल्सो, तो यहाँ पे ये बैगेज ज़रूर एंड होगा, विजडम से, नॉलेज से, अलाइनमेंट से और डिवाइन की ब्लेसिंग से। तो ये जो भी पर्सन है आपके, ये किसी कार्मिक साइकिल में है, और कार्मिक साइकिल डेफिनेटली विजडम से ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप प्रे कर रहे हैं, आपके पर्सन अगर बुद्धिमान हैं और ट्रू लव करते हैं, तो वो इस सिचुएशन को बहुत पीसफुली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर कुछ ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हैं, कुछ बड़े मेजर प्रॉब्लम्स हैं, तो भी यहाँ पर पीसफुल रिजोल्यूशन निकल जाएगा। क्या और कोई कार्ड आना चाहता है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि वो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं, हो सकता है आपके पास आते हों फिर डिटैच हो जाते हों बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, लेकिन ये आपको बहुत याद करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। तो अगर आप इन्हें ऐसा समझते हो कि ये आपको धोखा दे रहे हैं, ये आपको चीट कर रहे हैं, तो ऐसा ना कहें, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, इमोशनली ये आपसे बहुत अटैच्ड हैं, और ये आगे चल के आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, ये आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं गाइस। देखते हैं कब तक ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से कलेक्टिवली बाहर आ सकते हैं, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं, कब तक बाहर आ जाएंगे इस सिचुएशन से, मिनिमम मैक्सिमम कितना समय लग सकता है। सिक्स नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोलर प्लेक्सस, डिसेप्शन, वी हैव डेथ, सेक्रीफाइस, पावर, लव बिगिंस एंड स्पिरिचुअल यूनियन। एक बार में ये कार्ड आया और यही चाहिए थे, बिकॉज ये वही मैसेज है जो मैंने अभी आपको बताया है। देखिए यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं,
हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से आप इन पर डाउट करते हो, इन पर बहुत शक करते हो, लेकिन आज नहीं कल ये जिस भी सिचुएशन में स्टक है उस सिचुएशन में चेंज आएगा, वो सिचुएशन एंड होगी। पावर की एनर्जी पहले भी आई थी, स्ट्रेंथ का कार्ड आया था और यहाँ से भी आया है, तो डेफिनेटली एक पावरफुल डिसीजन लेंगे सही समय आने पर। जो भी ब्लॉकेजेस हैं रिलेशनशिप में उन्हें हील कीजिए। कैसे हील करना है इसका वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल एस्ट्रो विद एम सिंह पे डाला हुआ है, हील योर सेवन चक्रास, स्पेशली सोलर प्लेक्सेस रिलेशनशिप के लिए होता है, तो आप ज़रूर उसका वीडियो देखें। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है विद स्पिरिचुअल यूनियन, तो आपके साथ इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत ज़रूर होगी सही समय आने पर। सिक्स नंबर की एनर्जी है। अब ये सिक्स नंबर कुछ लोगों के लिए 6 दिन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 6 हफ्ते भी हो सकते हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग प्रडिक्शन। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।